गुड आफ्टरनून दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। और काफ़ी अरसे बाद करीबन आप सभी को पता है कि 14 जून 2020 को सुशांत सिंह ने जो है अपने ही बॉम्बे बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में आत्महत्या कर ली थी। और उसके बाद ये जो है ये सुसाइड काफ़ी सुर्खियों में रहा। उस घर में उस दिन करीब 5 लोग थे, नौकर, शेफ़ और 3 दोस्तों को मिला के सुशांत सिंह भी थे, जिसमें सुशांत सिंह जो है मृत पाए गए। और सबको यही आशंकाएं थी कि क्या इसमें किसका हाथ है, नौकर का, उनके दोस्तों का, या फिर फिल्म इंडस्ट्री में से किसी का, जिसके दबाव में आकर सुशांत ने ये जो है कदम उठाया। सो इन सारी बातों को अगर एक साइड रखें हम, पिछले दिनों दो दिन पहले रिया चक्रवर्ती, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की ऑफिशियल गर्लफ्रेंड है, अब तो कह सकते हैं बिकॉज उन्होंने खुद ही कैमरे पर कहा है, तो एक CBI इंक्वायरी की उन्होंने मांग की है। अब ये भी शंका के घेरे में क्यों इतने एक महीने बाद वो इस तरह की डिमांड कर रही है, बहुत ही सरप्राइजिंग है। और लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आज आई है वो है एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जो अमेरिका बेस्ड है, और वो और उनकी वाइफ अमेरिका में रहते हैं, और माना जाता है कि वो एक सक्सेसफुल पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है जो कि इस तरह से आत्मा से बात करते हैं, मरने के बाद जो रूह होती है, सोल होती है, उससे बात करते हैं। और उनका मानना है सोल नेवर डाइज, और ये एक कथित सत्य भी है कि आत्मा कभी नहीं मरती, भले शरीर छोड़ के चला जाता है। तो उसी तरह से इन्होंने कॉन्टैक्ट किया है, काफ़ी दिन से वो एक्सपर्ट ट्राई कर रहे थे उस सुशांत सिंह से बातचीत करने की, लेकिन हो नहीं पा रही थी सम रीज़न, टेक्निकल रीज़न की वजह से। लेकिन फाइनली इतना रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सुशांत सिंह से जो है उनकी बात हुई, समहाउ दे ही वॉज कनेक्टेड वाया हिज यू नो एंजल। एंजल का मतलब ये है कि एक जैसे हमारे यहाँ होते हैं कि आपके देवी देवता, यू नो आपके कुल देवता जो जिन्हें आप बहुत मानते हैं, उनके थ्रू जो है ये गेटवे है। आई डोंट नो कितना सत्य है, लेकिन मैं मानूंगा 90% ये सच है, क्योंकि पैरानॉर्मल सोसाइटीज़ है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कि इन बारे में रिसर्च और यू नो बहुत ही इनोवेटिव चीज़ें हैं। इससे काफ़ी केसेस सुलझाए गए हैं इनकी हेल्प से, और दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ कि ये केस भी सुलझे। अब आज उन्होंने जो है जस्ट नाउ कल एक उन्होंने पोस्ट किया था कि सुशांत स्पीक्स अप, आज उन्होंने किया सुशांत स्पीक्स अगेन, यानी कि दूसरा एक उन्होंने 7 मिनट और 40 सेकंड का एक वीडियो रिलीज़ कर तहलका मचा दिया कि सुशांत सिंह ने उनसे बातचीत की है। और उन्होंने बार बार पूछने की कोशिश की कि उस रात को क्या हुआ था जिस दिन उनकी मौत हुई, तो सुशांत सिंह ने कहा है कि बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट हुई थी किसी आदमी के साथ उनकी, और उसके बाद में वो नाखून लेकर आए थे, ये कहा है। अभी पूरी तरह से पता है, सच्चाई हमें पता नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में डेफिनेटली वो खुलकर बाहर आएगी। और स्टीव हफ उनका नाम है, और उनकी पैरानॉर्मल चैनल्स है यूट्यूब पर जो कि हफ पैरानॉर्मल है, करीबन 1 मिलियन प्लस उनके सब्सक्राइबर है, बहुत ही जेन्युइन पर्सनालिटी है। और लकीली और एक अगर फॉर्चुनेटली ये कहे कि उन्होंने ये चैनल पर जो वीडियो डाले हैं, दो वीडियोज़, उस पर मोर देन 1 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि उस चीज़ का पता लगाए, और ये वही ट्राई कर रहा है। उसमें क्लियरली सुशांत सिंह की आवाज़ सुनाई दे रही है, वो क्या कर रहे हैं अभी, कहाँ पर है। उन्होंने ये भी कहा कि वो अभी प्रकाश उनकी तरफ है, और वो भगवान से मिले, और बहुत ही एक अलग ही दुनिया में है अभी। वो एरिजोना में भी गए, और जो स्टीव हफ है उनकी वाइफ से भी वो मिले हैं। सो बहुत ही एक चौंकाने वाली बात है, जिस चीज़ का जो है हम कोशिश कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि इसकी पहली सुलझे, वो आखिर में थोड़ी सी उलझ गई है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने ये कहकर बहुत ही बड़ा हंगामा मचाया है कि बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट हुई थी एक आदमी के साथ उनकी, और दे ब्रॉट नेल्स। अब ये इसका मतलब क्या समझे, आई हैव नो आइडिया, लेकिन गाइज अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें तो इसका मतलब पता चल जाएगा आपको कि उन्हें उनका मर्डर किया गया था। ये साफ साफ सुशांत जो है अगले सेशन में जो भी स्टीव हब्स रखेंगे उनके चैनल पर, वहाँ से हमको पता चल जाएगा, और इससे पुलिस को भी काफ़ी जो है इससे आसानी हो जाएगी केस सुलझाने में। वो एक निर्देश कर रहे हैं, उनसे पहले वीडियो में ये भी पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने ये कहा सुशांत सिंह ने कि फॉर अ चेंज, उन्हें चेंज चाहिए था इसलिए किया। हमारे देश की जो भी मीडिया है स्टीव हब्स को जो है ट्रोल कर रही है,
लेकिन दोस्तों मैं नॉर्थ अमेरिका में ही हूँ, मुझे पता है यहाँ पर इस तरह की सोसाइटियाज़ है जो कि इस तरह के काम करती है, रिसर्च करती है, इनके पास वो उपकरण है और पिछले 10 साल से जो है वो एक्सपर्ट है इस फील्ड के। तो आई होप कि आने वाले वीडियोज़ में वो अपने जो भी मर्डरर्स है या जो भी उनके साथ घटना घटी है उसके बारे में खुलकर बताएं। सो तब तक के लिए दोस्तों मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे, फिर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत ही ज़रूरी है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स, बाय।